वेलकम टू मम्मी का किचन। आज की हमारी रेसिपी है सैंडविच। इजी टू गो ब्रेकफास्ट रेसिपी है, हेल्दी और टेस्टी भी। तो चलिए बनाते हैं एवरीडे सैंडविचेस। 5-7 लहसुन की कलियां, आधा नींबू, बटर, 10-12 हरी मिर्च, टोमेटो स्लाइसेस, टोमेटो केचप, उबाले हुए आलू के स्लाइसेस, ककड़ी के स्लाइसेस और फाइनली हमारा ब्रेड। तो सबसे पहले हम मिक्सर में मिर्ची और लहसुन को ग्राइंड कर लेंगे। आप इसमें पुदीना और धनिया भी ऐड कर सकते हैं। पानी डालेंगे, निकालेंगे, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और नींबू का रस, मिक्स करेंगे और बन गया हमारा ग्रीन चटनी। अभी मैं ब्रेड के साइड्स कट कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी करें तो भी चलेगा। 4 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, अभी इसे लगाएंगे हम ग्रीन चटनी, स्प्रेड करेंगे इवनली और ये आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा। फिर हम लगाएंगे टोमेटो केचप, ये भी अगर आपको मीठा लगे तो ज़्यादा लगाइएगा, इवनली स्प्रेड करेंगे। हम साइड में पैन को गरम करने के लिए रखेंगे। अभी हम स्टफिंग ऐड कर लेंगे, यानी कि हमारे वेजीज, आलू के स्लाइसेस। आलू को मैंने ज्यादा नहीं उबाला है जिससे कि हमें आलू के स्लाइसेस मिलेंगे। फिर जाएगा टोमेटो स्लाइसेस और हमारे ककड़ी के स्लाइसेस। पैन में बटर लगा के सैंडविचेस को ग्रिल करना स्टार्ट करेंगे। हमारे ब्रेड को एक क्रिस्पी सा एक लेयर आना चाहिए, इसके लिए हम ग्रिल करेंगे। और अगर आपके पास चीज़ के स्लाइसेस हो तो आप चीज़ स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं स्टफिंग में। हमारे सैंडविचेस ग्रिल हो चुके हैं, इस पर गोल्डन कलर आ गया है। अभी हम ऊपर से चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे। चीज़ वाला पार्ट भी यहाँ पे ऑप्शनल है, ये आपके हिसाब से आप कर सकते हो अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है। हम सैंडविचेस निकालेंगे और उसको कट करेंगे। हो गया हमारा एवरीडे इजी टू कुक सैंडविच रेडी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।